सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। स्टूडेंट्स वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। वी विल डिस्कस टुडे यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ अभी 15 दिसंबर को, तो उसी के आंसर्स और एनालिसिस की भी मैं बात करूंगा आपसे। तो चलिए शुरू करता हूं। और द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ इज, तो आईएमएफ के जो नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम पूछा गया है और चार चार ऑप्शन आपके सामने थे। तो इसका जो जवाब है मैं आपको इसके आंसर्स बता रहा हूं आंसर की। तो ये थे आपके क्रिस्टेरिना जॉर्जीविया, तो ये नाम है इनका, ए ऑप्शन है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स का है। द नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 10, 2019 बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल्स इज, तो अक्टूबर 2019 में जो एक राष्ट्रीय प्रोग्राम शुरू किया गया था जो आपके टैलेंटेड चिल्ड्रन हैं उनके स्किल्स को एनरिच करने के लिए। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, तो इसका जवाब ध्रुव है, सी। तो आप अपने आंसर्स मिला सकते हो जो भी स्टूडेंट्स इस पेपर को देकर आए हैं। और अगला क्वेश्चन था आपका, ये लिस्ट को मैच कराना था लिस्ट वन लिस्ट टू से। तो ये एक तरफ दिया हुआ थॉमस कुक, ग्रेटा थुनबर्ग और डॉक्टर उषा किरण, कैरी लैम। तो अगर हम इसे ना मैच कराने के लिए आए तो थॉमस कुक जो है आपका ब्रिटिश टूर एंड ट्रैवल कंपनी, ठीक है, पीछे करंट अफेयर्स में न्यूज़ में थी। और जो आपकी ग्रेटा थुनबर्ग हैं ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। और उसके अलावा था आपका उषा किरण, तो हांगकांग उषा किरण का आपका ये भारत भारती अवार्ड मिला है, भारत भारती अवार्ड मिला है। और कैरी लैम है आपका हांगकांग लीडर। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 4-3-1-2 उसका बनता है, तो देख लेते हैं 4-3-1-2, ये आपका डी जवाब बनेगा। एक और क्वेश्चन है आपका नोबेल प्राइज के ऊपर है। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज गिवन टू वीमेन वुमेन फॉर सेकेंड टाइम, नेम द फर्स्ट वुमेन हु वॉज अर्लियर अवार्डेड दिस प्राइज। तो चार ऑप्शन थे, इसका है आपका एलिनार ऑस्ट्रम, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति September 2019 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, बड़ा अच्छा सवाल है, करंट अफेयर्स का है जो पूछा गया यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में। तो 2019 से 2029 बी जवाब है इसका, सही कर लीजिए। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो एक सवाल ये पूछा गया स्टैटिक जीके का है यूपी पीसीएस में, तो ये मैसूर में है। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर, तो इसका बी जवाब है आपका 2030 का टारगेट रखा है, तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल वॉज यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान 2 स्पेस, ये तो आपको सबको आता होगा और बच्चे बच्चे ने ये जो है चंद्रयान 2 देखा था और लाइव किया गया था इसे। तो इसका जो जवाब है आपका ए है, GSLV MK3 M1, ये जवाब है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट चरखा इज ट्रू, तो इट वॉज इनोग्रेटेड नोएडा और इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या जवाब है इसका। तो इसका है आपका जवाब ये, बहुत सी जवाब है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वाइट ब्लड, लिजार्ड, कॉकरोच, हाउस बग और मॉस्क्यूटो, तो आसान सवाल है, कॉकरोच का सफ़ेद खून होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ रूट्स ऑफ, तो ये भी आसान है, कॉमन सेंस से हो जाएगा, पल्सिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का है ए जवाब। और एक बार फिर से बता देता हूँ, यूपी पीसीएस का जो अभी 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है 2019, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, उसके आंसर की पर। व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सोप बबल, तो बड़ा अच्छा सवाल है साइंस का, तो इट्स रेडियस इंक्रीजेस, ए जवाब आएगा, ए ऑप्शन ठीक कर लीजिए।
और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मेस्ड, तो मेस द फॉलोइंग सवाल पूछा गया, कौन सा एक है जो मेस नहीं करता है, तो वो है आपका इसका डी, डी जवाब है, और बाकी सब मेस करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट ए प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 का है आपका ए जवाब कॉटन। 15 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से बता देता हूँ, हम आंसर कीपर बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम एग्जाम 2019 की। ए लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय, तो इसका जो जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यानी कि सी जवाब है दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का, तो इसका जवाब आएगा सी, पैंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन कैल्शियम, तो कैल्शियम होता है इनमें से किसमें, तो वो होता है आपका जिप्सम में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, तो सब्सटेंस दिया है सामने इसका यूज दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बायो बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्वेश्चन नंबर 18। तो सवाल क्या है, नॉट करेक्टली मेज, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका ये गलत मेज है, बाकी सब ठीक है, तो ए जवाब आएगा 18 का, करेक्ट कर लीजिए। तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो मेडिसिनल वैल्यू तुलसी में होती है क्योंकि इसमें फिनोल्स होते हैं, फ्लेवेनोइड्स होते हैं, यानी कि सी आंसर है। वॉट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम तो इसका सी जवाब है, करेक्ट कर लो। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, अभी मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स बता रहा हूँ क्योंकि ये आंसर्स की है, और जिस तरीके से आप देख रहे हो बड़े अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं, नए सवाल हैं, रिपीटेशन कम है। विद रेफरेंस टू यूट्रिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसका आंसर है आपका सी, सी आंसर सही कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द एनवायरमेंटल द एनवायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो यह है आपका एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट, पर्यावरण, बी जवाब आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स पोल, पहला ही इसका जो है गलत है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये बात गलत है, ठीक है, यानी कि इसका ए जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो 9th क्लास का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, तो इसका जवाब है आपका ए, लाइकेन, लाइकेन है, और ये सवाल वहाँ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, इज नॉट करेक्टली मेज्ड, तो इसका है आपका डी, पास्चराइजेशन, टी जो है आपका कॉमन सेंस से भी आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड, तो 26 को देख लेते हैं, इसका जवाब है आपका सोडियम क्लोरेट, ए जवाब आएगा, सोडियम क्लोरेट हर्बिसाइड। 27, द गैस विच इज एमिटेड इन पैडी फील्ड्स एंड इंक्रीजेज अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है, ये सवाल हमने अपने कई वीडियोज में दिया है, हमने लाइकेन वाला भी बहुत सारी वीडियोज में दे रखा था, ठीक है, ये भी, तो इसका जवाब है आपका मीथेन, ठीक है, मीथेन जवाब है 27। और एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिज इज द सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड, तो आसान सवाल है, गुरुग्राम जवाब है इसका, बहुत सारी वीडियोस में हमने ये सवाल बार बार रखा था। और द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% सोलर एनर्जी, तो करंट में था, करंट अफेयर्स में, तो इसका जवाब देख लेते हैं, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो थे आपका दीव, सी जवाब है। और गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर द रीजन, तो असर्शन रीजनिंग का सवाल है, और इसका मैं जवाब बता देता हूँ आपका, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर है, ए जवाब है इसका, करेक्ट कर लीजिए, आप मेज कर लीजिए अपने आंसर ने जो आपने ठीक किया है।
और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में क्या आता है? तो आसान था सवाल ये, इसका डी है आपका, तीनों आते हैं। और अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो ये कुछ एक्ट दे रखे हैं आपके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, इनका ऑर्डर बताना है आपने। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पहला है, उसके बाद फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका शायद 92 में है, और ये आपका 1973 में था, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 2002 में है, तो इसका बी जवाब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, इट इज लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ इवेंट्स विद इन हाउ मेनी डेज इन इंडिया। तो 15, 21, अच्छा सवाल है, 21 डेज इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डज नॉट इंक्लूड, बड़ा अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में कौन सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन है आपके सामने, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ इसमें सम्मिलित नहीं है, डी जवाब आएगा, सही कर लो। द एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन हर कैपिटा जीडीपी एंड एनवायरमेंटल लॉस, व्हाट इज शेप ऑफ एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व? तो इसका जवाब है आपका ए, इन्वर्टेड यू शेप्ड, ए आंसर है। और गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा है रीजन। तो इसके भी आंसर्स को मैं बता देता हूँ, क्या जवाब होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर सवाल है, और इसका जवाब है आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट बेनिफिट्स स्कीम हैज रिकॉग्नाइज्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम? तो इसका जवाब है आपका बी, पहल। ठीक है, पहल शुरू हुआ था सब्सिडी छोड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपके, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तीनों ठीक है, तो इसका मतलब जवाब आएगा इसका सी, सी जवाब आएगा। सभी ठीक कर लो अपना सी जवाब, और अपने आंसर आप मैच करके इसकी देख सकते हो कि कहाँ स्कोर गया। विद रेफरेंस टू द मेजर्स द टेनेसी रिफॉर्म्स इन इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टीनेंट्स। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। आखिर में मैं इसका कट ऑफ भी बताने की कोशिश करूंगा सारा एनालिसिस होने के बाद कि कहाँ जा सकती है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो जवाब है आपका वो 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसके डी जवाब आएगा। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू फंक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो आंसर्स देख लेते हैं, आंसर्स में इसके ये भी चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका भी सी, सी जवाब है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस तो बनाए हैं, लेकिन उतना खेले नहीं है वो लोग, जैसे यूपीएससी जो है ना तंग सा कर देता है। तो पॉजिटिव माइंड सेट से लेंथी क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना ज़्यादातर के आंसर्स ऑल ऑफ दी अबव ही आ रहे हैं। तो इन द स्वेज कैनाल रीजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेक्स लाइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज, अच्छा सवाल है, तो इसका है आपका डी जवाब, लेक मांजाला, लेक तिमास, ग्रेटर बिटर, लिटिल बिटर लेक। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। टेलीग्राफिक प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ, तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन का पार्ट है, अच्छा सवाल है ज्योग्राफी का। और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो मैच लिस्ट 1 एंड 2, दोनों को मिल करना है। डिफरेंट नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और सामने कंट्री दी है, बच्चों को भी आता है सवाल ये जो रखा गया है इसके अंदर। तो सब लोगों ने मैच कर लिया होगा। तो विली विलीज तो सबको पता ही है, विली विलीज आपका ऑस्ट्रेलिया का होता है, तो ये आपका ये मिल गया। तो अब दो वाले ऑप्शन देख लीजिए, या तो बी है या आपका डी है। तो उसके बाद हरिकेन्स को आप मैच कर लो। तो हरिकेन्स जो है आपके ये डी का है, 4 यूएसए में आता है, तो आपका डी जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, ये तो 2, 3, 1, 4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन ट्रांस साइबेरियन रेल रूट? तो
थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो सकता है। तो नोट पूछा है तो इसका है सी आपका सोची, मैप पे बेस है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेस्ड, तो इसमें एक तरफ विंड्स दी हैं दूसरी तरफ कंट्री दे रखी है, तो नॉट करेक्टली मेस्ड हमें इसमें देखना है। तो आपका है मिस्ट्रल। आसान सवाल है, सब बच्चे याद करके चलते ही हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेन में चलती है ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ये भी मेज द फॉलोइंग है। और तलचर, करनापुरा, सिंगरौली, सिंगरैनी, तो इसका जो जवाब आपका आएगा तलचर आपका और जो है ना उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा में महानदी वैली कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। तो बस ये चार मिल गया, तो बाकी तो मिल ही जाएंगे, यही जवाब हो गया और देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। देखो सवालों की फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी बना करने की कोशिश की गई है और अच्छे सवाल रखने की कोशिश की है और ज़्यादा तंग भी नहीं किया गया है। तो उसके बाद है आपका तो ये गुरला, मंधाता, नामचा बड़ुआ, कामेत, नंगा पर्वत, तो इसका ये जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, द विंटर रेन्स कॉज बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजिस फ्रॉम, तो इसका जवाब है आपका वेस्ट टू ईस्ट, बी जवाब है, सही कर लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट सेलाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका जवाब है आपका लूनी रिवर, बी आंसर आएगा। और नेक्स्ट है आपका मोरीबंद डेल्टा इज सब डिविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 50, तो यह आपका है बंगाल का डेल्टा। और गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज, तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसके आंसर्स देख लेते हैं, बी जवाब आएगा आपका, बी दोनों सही है लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज, इस तरीके का जो है सवाल काफी पूछे गए हैं, तो कौन सा करेक्टली मेज नहीं है, तो है आपका जरीब, ये टाइप ऑफ टैक्स नहीं था, ये एक तरीके का मीटर कह सकते हो आप, ठीक है ना, मापने वाला पैमाना स्केल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, मेज द फॉलोइंग है। और इसमें मुल्ला दाऊद, दामोदर, कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो, तो उनके सामने जो है ना मैच करना है आपने। तो जो अमीर खुसरो हैं तो वो है आपके चार नंबर पर। तो अमीर खुसरो की आशिका तो सबको पता है, तो अगर आपको आशिका पता है तो इसी से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लो कि डी का दो किसके अंदर है, डी का दो एक ही है, ये रहा बस, हो गया काम, ठीक है ना। तो इसका जवाब आएगा आपका बी, बी जवाब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड गिवन पैट्रोनेज टू तानसेन बिफोर अकबर, तो ये थे आपके ए, राजा रामचंद्र सिंह और भाटा, तो ए जवाब आएगा, तानसेन अकबर से पहले किसके दरबार में थे। अगला आपका रूलिंग डायनेस्टी है, उनकी कैपिटल्स दी हैं, आसान सवाल है, सभी को आता होगा। तो पल्लवास की तो कांची है, कांची के रथ टेम्पल आपको पता ही है, तो ए का आपका दो हो जाता है। और जो पांड्या का मदुरा संगम में आपने पढ़ा होगा मदुरा, तो दो, उसके बाद तीन, बस हो गया काम, बी जवाब आ जाएगा इसका, ये रहा, पहले दो मिल गए तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका बी आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो ये आपका मुगल पीरियड के ऊपर है, तो इसके जो है ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो अटाला मोस्क जौनपुर में है, और शेरशाह सूरी का मकबरा, उसके बाद फिर हुमायूं का मकबरा, रबिया दुर्रानी का मकबरा, तो रबिया दुर्रानी औरंगजेब की वाइफ का नाम है, सबसे बाद में आएंगी। और जौनपुर के जो शर्की लोग थे ये पहले आपका आएगा, तो इसका जवाब बनेगा बी, बी जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं इसे क्या जवाब आएगा इसका। तो विद रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम, ये भी मुगलों के ऊपर है आपका, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो लेंदी क्वेश्चन जरूर पूछे हैं लेकिन जो है ना ज्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं है, सीधी चीजें हैं, यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा जो है खेल सा खेला जाता है, तो इसका ए आंसर ठीक है, बाकी सेकंड वाला गलत है, क्योंकि मनसबदारी हेरिडिटी नहीं थी, सिंपल बात है, किसी को सबको पता है कि अनुवांशिक नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसका ए ऑप्शन है। और मेज वन
एंड टू टीटी ऑफ इलाहाबाद, मैंगलोर, सालवाई, मद्रास। आसान, इससे आसान क्या हो सकता है? सालवाई तो सबको पता है 1782 की है, तो 1782 की है सी का। दूसरा तो सी का है आपका सेकंड, तो उसके बाद देखते हैं इसमें मैंगलोर इलाहाबाद की संधि, ये तो सबको पता है, ए का 4, ठीक है, तो जो आपकी बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी, ठीक है नहीं? अब बचे मैंगलोर और मद्रास की संधि, ठीक है ना? तो अब इनके ऑप्शंस मिला देते हैं, तो उसका सी जवाब आ जाएगा आपका, 4-2-1-3, 4-2-1-3, तो सी जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो। तो इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही बताना है, पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है आपका, ये 1930 में दांडी मार्च आपको याद होगा, और उसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट इसके बाद हुआ था आपका, गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए, और उसके बाद जो उस वक्त गांधी जी जेल में थे, उसके बाद फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और पूना पैक्ट आपका 1932 का है, ठीक है? तो इस तरीके से इसका जवाब बनेगा आपका सी, 4-2-1-3। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो लॉर्ड कर्जन के ऊपर है, बंगाल के विभाजन के टाइम का है, दोनों ठीक है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव माइंड सेट से पेपर बनाया गया है, ठीक है? लोग कह रहे थे यूपीएससी, यूपीएससी की फॉर्मेटिंग तो जी तारे दिखा देती है, ठीक है ना? तो पेपर लेंथी जरूर है, लेकिन अच्छा पेपर बनाने की कोशिश की गई है। चलिए, हु प्रिपेयर्ड सी आर फॉर्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेड लॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो सी आर फॉर्मूला राजगोपालाचारी, बी जवाब है इसका। और राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज रिटन बाय, तो ये विपिन चंद्रा की है, डी जवाब है, सही कर लो आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका जवाब आपका सी आएगा, दोनों ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी जवाब है इसका, बोथ ए एंड बी। तो विद रेफरेंस, ये पॉलिटी के सवाल है, विद रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट देखने, हमने पंचायती राज के ऊपर सवाल पूछा गया है, 50% सीट शैल बी रिजर्व, तो है ही नहीं, ग्राम सभा इस बॉडी कंसिस्टिंग ऑल पर्संस नहीं है, वो हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है, तो इसका डी जवाब आएगा, बहुत पॉजिटिव माइंड से बनाया है, ठीक है? देखो इतनी पढ़ाई तो करनी पड़ती है, ठीक है, आप खामोखा जो है आप किसी क्रिटिसाइज करो वो बात भी ठीक नहीं है। तो 65 क्वेश्चन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो इस पर सवाल पूछा गया है, और इसका है आपका ये सोशल मूवमेंट हैज बीन एसोसिएटेड विच वे ऑफ द फॉलोइंग इंडिया, तो आरटीआई एक्ट, बी आंसर है इसका। और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम्स बिलो पावर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स, तो इसका है आपका सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसका सी जवाब आएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब अगला है आपका 67, 67 क्वेश्चन देखते हैं। तो 67 है आपका हु, अच्छा ये 61 तो हम अभी बात कर चुके थे, उसके बाद आपका 67 हमने करना, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यूपीपीसीएस वाले एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो अभी 15 दिसंबर को हुआ है। हाँ चलिए, आ गया सवाल 67, हु सेड इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, ये सवाल इतनी बार पूछा गया है छोटे बड़े एग्जाम में, तो आप इसको यूपीएससी का सवाल नहीं कह सकते हो, ठीक है ना? तो डी जवाब है, बल्कि जो ये डीयू के एंट्रेंस एंट्रेंस भी होते हैं ना लॉ वगैरह के, उसमें भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है ना? ये केसी वीयर वाला बहुत फेमस है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और बल्कि आप यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर बनाओगे उसमें तो आपको कई बार मिल जाएगा सवाल। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो महाराजा हरि सिंह के ऊपर सवाल है, जम्मू कश्मीर का मसला था, तो एक सवाल तो बनता ही था, ठीक है, हमने भी कराए हैं, तो इसका जो है ये चारों स्टेटमेंट ठीक है। तो पॉजिटिव किस सेंस में पेपर है कि चारों स्टेटमेंट ठीक है, यूपीएससी में नहीं होता कभी ऐसा, तो सी जवाब है इसका, अच्छे अच्छा पेपर है। और गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका ए जवाब है, दोनों ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल पंचायती राज डे, बच्चों को भी पता होता है, ठीक है, 24 अप्रैल,
और विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड 42nd अमेंडमेंट एक्ट, यूपीएससी में आया था ये सवाल अभी, ठीक है ना। तो मेंट टू प्रोवाइड द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, देखो 39A भी था 43A भी था, लेकिन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स 43A में आता है, ठीक है ना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए तीन आर्टिकल इंसर्ट हुए थे, 39A, 43A और 48A, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात है तो डी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो जवाब है आपका उसका बी है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेडिंग द आर्टिकल 162 पर है आपका, तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो डी है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज ऑल्सो नोन एंड खुजुराहो ऑफ विदर्भा, खुजुराहो और विदर्भा मार्कंडेश्वर है, इसका ए आंसर आएगा। और अगला क्वेश्चन 75 है आपका, MACE 1 to MACE 2 टाइफून दिए हुए हैं एक तरफ, दूसरे उनके अफेक्टेड कंट्री दे का नाम दे रखा है, तो करंट अफेयर्स का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सभी को आता होगा, डोरियन मितांग सब ने सुने ये नाम, ठीक है ना। तो इसका है ये, और इसका है आपका 4, ये 2 और एक ये, तो देखते हैं क्या जवाब बना इसका, 1, 4, 2, 3 बी जवाब। आगे बढ़ते हैं, इन अक्टूबर 2019 इंडिया अनाउंस टू एस्टेब्लिश ए हाई कमीशन इन विच अफ्रीकन कंट्री, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, सियरा लियोन, डी जवाब है, सही कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एट टॉप इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, अच्छा ये मैं अभी कर चुका हूँ, तो 78 पर आते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के जीएस पेपर की, जो कि 15 दिसंबर 2019 को हुआ है, और हम उसके आंसर की पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द ऑथर ऑफ बुकर प्राइज विनर 2019 बुक्स गर्ल वीमेन अदर इज, तो इसका जवाब है आपका, तो इसके ऑथर हैं आपके डी बर्नार्डाइन एवरिस्टो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम हुम डिड पीवी सिंधु बीट टू विन फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इंडिया वीमेन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन द फाइनल मैच, तो इसका जो जवाब है आपका वो है आपका नजूमी अखूरा, सी जवाब है। विच करंट अफेयर्स का था, विच हाइड्रो पावर प्लांट भूटान वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली बाय इंडिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका डी जवाब है आपका, इसका डी जवाब है आपका मांगेदेशु पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 81, द बुक वेणु शिल्पा बाई चित्राचार्य उपेंद्र महारथी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आर्ट्स, 81, तो इसका है सी बंबू आर्ट। क्वेश्चन नंबर 82, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड, तो इसका जवाब है आपका सी सिक्किम इंडिया। और पैरा एथलीट दीपा मलिक हु हैज बीन अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न 2019 बिलोंग्स टू, तो सबको पता है कि जो शॉट पुट खेलती हैं, ठीक है, शॉट पुट खेलती हैं दीपा मलिक। आसान सवाल है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो न्यूयॉर्क में, करंट अफेयर्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, तो यूज ऑफ पॉलिस्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज, ठीक है, बहुत बार सवाल जो है ये आता आता है, तो ये आपका है बेरी बेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन के ऊपर सवाल हमेशा आसान होते हैं, नॉट करेक्टली मेस्ड पूछा गया है, तो आपका है रिसोर्सिस पे सवाल आया है, ठीक है, तो इसका बी जवाब है आपका, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। और गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, तो असर्शन रीजनिंग का एक सवाल और आ चुका है, ये भी विटामिन के ऊपर है, तीन सवाल लगातार विटामिन के ऊपर, सोचिए तो कितना खुश कर देने वाली बात है। तो इसका सी जवाब है आपका, सोच कर जवाब देना था इसमें आपने, और उसके बाद है आपका मैच करना है, एक तरफ आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, केवलार टैक्सोल जिंक फॉस्फाइड, तो इन्होंने कुछ केमिकल नेम दे रखे हैं और साथ साथ में उनके अदर नेम्स दे रखे हैं, तो 2 केवलार आपका एंटी कैंसर ड्रग, तो 2, 3, 4, 1, 2, अच्छा केवलार है आपका ये सिंथेटिक फाइबर, उसके बाद 3 है एंटीसेप्टिक ये ड्रग है एंटी कैंसर, और 2, 3, और उसके बाद है आपका 4, 1 ये, और ऐसे नाइट्रोसेलुलोज सभी को पता है कि एक्सप्लोजिव होता है,
इसका बी जवाब आपका आएगा, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 89, द सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिसअपीयर्स आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर लाइक कैम्फोर और नेफ्थेलीन और ड्राई आइस, द फिनोमिना कॉल्ड, इसको सब लिमेशन कहते हैं, सबलिमेशन, ये जवाब है। और अच्छा सवाल था, पहले भी आते रहे हैं इस तरीके के सवाल, तो आप साथ साथ मेरे जो है ना अपने आंसर्स चेक करते रहिए कि आपने क्या कैसे किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, द फिनोमिना यूज इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, सवाल कितनी बार आया, हजारों बार सवाल आ चुका है, ठीक है। तो ए जवाब है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स इज आर करेक्ट, तो इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत पॉजिटिव माइंड सेट से पेपर बना है, लेंथी जरूर है, लेकिन अब इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपके। मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग, तो इसमें ए जवाब आएगा आपका आयरन। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब, तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, तो इसका जो जवाब है आपका 4 2 1 3, 4 2 1 3, एक बार देख लीजिए आप इसको पोस्ट करके। और उसके बाद है आपका है बिब्लियोमेट्री इज, बिब्लियोमेट्री इज लाइब्रेरी सर्विस को बोला जाता है, और अल्बिडो, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड अल्बिडो, तो इसका है आपका बी डी रिफ्लेक्टिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, साथ साथ आप टिक कर लो, इम्पोर्टेंट ये सब जितने भी हैं आपके एग्जाम में जो सवाल आए हैं वो सब सवाल हैं, ठीक है। UPPCS 15 दिसंबर, तो विद रेफरेंस टू डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं इसके, इसका जवाब आपका आएगा सी, सी जवाब है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेस्ड, तो इसका आपका डी जवाब है। और गिवन बिलो, ये भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है अगला, और इसका जो जवाब है आपका, ये बटरफ्लाइज पे रखने की कोशिश की है, इसका ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 99, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनोदर इज इन इकोसिस्टम, तो डिक्रीज होता है, बी जवाब है इसका, करेक्ट आंसर है, सही कर लो आप। और 100 का विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, डी जवाब आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस, तो चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका भी डी जवाब है आपका, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर रेयर अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, आसान सवाल है, सब ने ठीक किया होगा, तो एनवायरमेंट से जुड़ा होता है, पहले भी आ चुका है इस तरीके का सवाल। ब्लैक होल इज, अगला सवाल है आपका ब्लैक होल के ऊपर, तो ब्लैक होल हमेशा न्यूज में रहता है, कोलैप्स स्टार कह सकते हो आप इससे, डी जवाब आएगा। द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज, तो वेस्टर्न घाट है, सभी को पता है, 9th क्लास का क्वेश्चन है NCERT का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, 105, तो है आपका ये नीति आयोग है। आप अरेंज द फॉलोइंग कमेटीज फॉर्म फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, तो इसका जो जवाब आपका, कमेटीज बनाई गई थी उनका ऑर्डर बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका जवाब आएगा आपका 4 2 1 3, ठीक है, 4 2 1 3, करवे सबसे पहले था इनमें और उसमें तीसरा कोहली सबसे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, तो 107 है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और इन्हें आपस में मैच कराना है, तो चलिए मैच करा देते हैं इन्हें, तो इस पहले का है आपका ये, ए का है दूसरा और बी का है पहला, और इसके अलावा ये जो ये है लिप्रोसी 1983 और नेशनल रूरल हेल्थ 2005, तो डी का है आपका तीसरा, तो जवाब इसका बनेगा आपका सी जवाब बनेगा, 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3, आगे बढ़ते हैं। तो गिवन द बिलो आर द टू स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपका बनता है सी, सी जवाब है इसका, पोस्ट करके एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं तो टिक कर लीजिए जिससे कि आप अपने मार्क्स जोड़ सको। डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग बिकॉज,
ये है आपका पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स रिलेटिवली हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू वॉट अवेलेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, दूसरा तीसरा सवाल है ये इस पेपर में, परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया, तो है आपका है SDG 6। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर देखते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया, हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। तो 111 का जो है आपका, तो ये है ये क्लब ऑफ रोम, ये जवाब आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, तो ये है आपका ए यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। और क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, और ये कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, तो इसका जो है जो स्टेटमेंट पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो ओनली वन ये जवाब आएगा, करेक्ट कर लीजिए। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI इज डेवलप्ड बाय, तो ये है आपके मॉरिस डी मॉरिस, ये जवाब है। इकोनॉमिक्स का सवाल था, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो वो है आपका 2017 की, कुछ देखो एक बात ध्यान रखना, 2017 का पूछा ना कि 2019 का, लग पाएगा 17 में आपका 100वां था, तो इसलिए मुश्किल हो गया होगा आपके लिए। मेज लिस्ट वन लिस्ट टू से मेज करना है, और ऑप्शन है आपके, तो ये वेजिटेशन पर है असल में सवाल ये, तो इसका है आपका सेकेंड, और इसका थ्री, और उसके बाद है आपका ये वन, और ये फोर, यानी कि इसका ए ऑप्शन बनेगा 2, 1, 3, 4। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, 117 ये भी आपका मेज द फॉलोइंग है, और इसमें जो कैपिटल दे रखी है उज्बेकिस्तान, तो आसान है ये तो सबका, बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट ही है, ए जवाब आएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, सिंपल है, 1, 2, 3, 4 जवाब आ जाएगा, ए जवाब है। क्वेश्चन नंबर 118, नेचुरल वेजिटेशन दे रखी है, सामने रीजन्स दिए हुए हैं, तो इसका जो है एपीफाइट्स, एपीफाइट्स होते हैं आपके इक्वेटोरियल रीजन में, तो दो मेज हो गया। उसके अलावा है दूसरा है आपका अकेशिया सहारा में, जो कटीले वन होते हैं, और उसके बाद है आपका बाओबाब, बाओबाब जो है आपका ये मिलता है सवाना में, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके 2, 3, 4 किस्में हैं, ये वाला ऑप्शन 2, 3, 4 ये वाला, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 119, 119 ट्राइब दे रखी है, प्लेस दे रखे हैं, नॉट करेक्टली मेज पे सवाल पूछा गया है, तो खिरगीज, ठीक है ना, खिरगीज जो है आपके ये रशिया वाले इलाके में, सूडान में नहीं है, तो डी जवाब आएगा। अब बात करते हैं 120, क्वेश्चन नंबर 120, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड, और असर्शन रीजनिंग का सवाल है आपका, असल में ये असर्शन रीजनिंग का सवाल है, और इसमें जो स्टेटमेंट दे रखी है इंडियन ओशन के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो ये आपका ए जवाब है इसका, ए जवाब है, असर्शन भी है रीजनिंग भी है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर, यानी कि मैप पर बेस्ड था सवाल, बड़ा अच्छा सवाल था, सबने ठीक किया होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और सीज़मिक जोन्स के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो इसका भी जवाब आपका ए है। और इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है आपका लैकोस्ट्रिन प्लेन, इसका ए जवाब आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा बच्चों को। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, ज्योग्राफी के सवाल पूछे हुए हैं मुश्किल से, तो इसका है आपका बी दामोदर। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 125, ट्रॉपिकल सवाना रीजन्स, ठीक है, ये तो आसान है, सही हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, विद रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इस पर पूछा गया है करेक्ट, तो इसके आंसर्स देख लेते हैं क्या जवाब बनेगा। आप कोशिश करो, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इन तीन स्टेटमेंट्स में इसका जो जवाब आपका आएगा, तो बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका। इसका दूसरा और तीसरा मुझे ठीक लगता है, ठीक है, पहला वाला गलत है ये, और ये, तो
तो 2 और 3 इसके ठीक हैं, यानी कि 2 और 3 में आपका जवाब आ जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 126 असर्शन रीजनिंग का है, एक बार फिर से अकबर के ऊपर है। अकबर लाइक शेर शाह ट्राई टू रेगुलेट करेंसी ऑफ द स्टेट एज इन शेर शाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर टाइम वॉज दाम, तो इसका ए जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स हिस्ट्री की हैं आपकी, बिलग्राम धर्मत जजाऊ, तो कुछ तो आपने सुनी हुई होंगी इसमें, तो 2, 1, 3, 4 है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, धर्मत की लड़ाई है ये औरंगजेब के ज़माने की है, बिलग्राम शेर शाह के ज़माने की है, तो इसे आप मिस कर सकते हो। विद द रेफरेंस टू हठ योग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हठ योग इज वाज प्रैक्टिस बाई नाथपंथी, तो इसका आपका सी आंसर आएगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन स्टेटमेंट दोनों ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 130, तो 130 देख लेते हैं, इक्ता सिस्टम पर है, ये भी आपका हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है, हिस्ट्री पर सवाल पूछा गया है। तो इक्ता सिस्टम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिट इन सुल्तान्स अकाउंट, तो ये नोट पूछा गया है, ठीक है, वाज नॉट फॉलोइंग नोट करेक्टरिस्टिक, तो नोट नहीं है तो डायरेक्टली नहीं होता था, ठीक है ना, तो इसका सी जवाब आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मेज्ड, एक और सवाल नॉट करेक्टली मेज, अगर आप जल्दी में सवाल पढ़ गए तो गलत हो सकता है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा ना कि इब्न बतूता ने, इब्न बतूता का रेला था। इन विच ईयर वॉज द नेटिव मैरिज एक्ट, तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है आपका ये 1872 का था। आगे बढ़ते हैं, मेज द फॉलोइंग है आपका, एक तरफ मूवमेंट दिया हुआ सामने आपका, ईयर दिए हुए हैं, आसान सवाल है, सब बच्चों को याद होता है, तो इसमें है आपका संथाल तो सबको याद होगा, सी का एक, तो सी का एक है, बस इसे ढूंढ लो आप, देखो कहीं मिल जाए, सी का एक है, सी का एक बी में है, बस ये जवाब हो गया, बाकी सारे अपना मिस हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मिस्ड, तो कम्युनल अवार्ड जो है आपका ये 1932 का था, तो इसका आपका डी जवाब है। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 के आंसर देख लेते हैं क्या क्या जवाब हो सकता है। तो इसमें है आपका ये अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द, तो इनका भी ऑर्डर बताना है हमने, साइमन कमीशन बाग जलियांवाला बाग, तो ये तो 1919 का है, ये 1927-28 का है, फिरोज शाह मेहता डेथ ऑफ गांधी की डांडी मार्च 1930, तो इस तरीके से हम देखें तो 4, 2, 1, 3 हो जाता है, 4, 2, 1, 3 ए जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं, द ट्रायल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ INA वॉज हेल्ड, तो दिल्ली के लाल किले में हुआ था, आसान सवाल है सबको पता है। और उसके बाद असर्शन रीजनिंग का एक और सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी के ऊपर है, तो इसका जवाब है आपका बी, और आप इसको एक बार पोस्ट करके देख सकते हो, बी जवाब है और करेक्ट आंसर कर लीजिए। विद रेफरेंस टू नेशनल कैलेंडर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो जो है आपका यह नेशनल कैलेंडर जो है बेस विक्रम पर नहीं है, शका पर है, और ये आपका 1957 है, ठीक है, ये नहीं है, तो इसका आएगा आपका डी जवाब आएगा, दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, इन विच ईयर वॉज अकाउंटिंग ऑप्शन देख लेते हैं, कैग के ऊपर सवाल है, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिटिंग कैग ओनली रिमेंड कन्फाइंड ऑडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स, तो ये ईयर कौन सा था, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा सवाल आपको, 1976 1976 हु अपोज्ड प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इसके ऑप्शंस थे महात्मा गांधी, सभी को पता है ये बात, तो गांवों की बात होती थी उनके टाइम में, वो करते थे, और उसके बाद असर्शन रीजनल 1900, ये आर्टिकल 30 के ऊपर है, तो जो असर्शन रीजनिंग है इसके आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एक बार आप इसको जो है देख लेना पोस्ट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर 142 फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया पॉलिटी का सवाल, तो स्टेट्स हैव नो राइट टू सीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है आपका, जस्ट एडवोकेसी सक्सेशन विल हैव टू प्रोटेक्शन, ये गलत है, यानी कि इसका ए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मीन्स, देखो हम बात कर रहे हैं UPPCS के 15 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ 2019 में, उसके आंसर्स की के ऊपर, और 43 का है आपका सी, ठीक है, सी सी जवाब है आपका, नोट करेक्टली पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी टाइम्स द देर आर इन 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने आइटम्स हैं आपके, पंचायती राज से पूछा गया, 29 है, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं,
विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ पर सवाल पूछा गया है, और वन ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कब बना, एग्जिस्टेंस में आया 1977 में, ठीक जवाब है। इट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता है, तो इसका आएगा ओनली वन, ये पहला वाला आपका ठीक है। द प्रोविजन ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल, आसान सवाल है, पॉलिटी का सवाल है, ठीक है ना, ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द स्टेट, तो आपका त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा ये जवाब है इसका। और उसके बाद देखते हैं 147, ये आपका रीट के ऊपर है, कोई पेपर है शायद ही ऐसा होता हो जिस पर रीट पे सवाल ना आता हो स्टेट पीसीएस में, तो इसमें आपका जो है ना सी जवाब है। द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल, आसान सवाल, इससे ज्यादा आसान सवाल क्या हो सकता है, 110 सबको पता है। क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इनोग्रेटेड पीएम मोदी सितंबर 2019, कनेक्ट्स विच द ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका है मोतिहारी और अमलेखगंज, ठीक है ये जवाब। क्वेश्चन नंबर 150, तो 150 आपका, जयपुर वाज लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन इट्स 43rd सेशन हेल्ड इन द सिटी, तो वो आपका बाकू में हुआ था, अजरबैजान में, करंट अफेयर्स का सवाल है। तो इस तरीके से हमने बात की आपसे यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ है आपका प्रीलिम्स का, तो मैं अब इसके कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। पेपर जिस तरीके से आया है थोड़ा सा मुश्किल तो लगा होगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार यूपी में इस तरीके का जो है पेपर देखा गया। जनरली तो रिपीटेशन ज़्यादा होती थी क्वेश्चंस के, लेकिन नए सवाल रखे गए हैं, लेंथी क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो बच्चे ज़रूर थोड़ा सा घबरा गए होंगे इसमें, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं करीब इसका जो कट ऑफ है वो 65% के आसपास जाना चाहिए। और क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी हैं लेकिन घुमाया नहीं गया है ज़्यादा, स्टूडेंट्स को तंग करने की कोशिश नहीं है, कुछ सवाल बिल्कुल नए हैं, तो 65% का कट ऑफ इसका हो सकता है, ठीक है। बाकी आप मेंस के प्रोग्राम अगर आप चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो स्टडी मटेरियल के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट कुशमांडा.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।